होममेड पीनट बटर बनाने का बिल्कुल आसान तरीका लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसको आप एक बार देखेंगे तो घर में आसानी से बना सकते हैं, जो हम महंगे प्राइस में बाहर से लाते हैं बिल्कुल सस्ते में घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मैंने क्या डाला है और कैसे बनाया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी को देखने के लिए संध्या जी किचन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पीनट बटर बनाने के लिए 500 ग्राम पीनट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको हम भून लेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे दोस्तों, ताकि जलने नहीं चाहिए, और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके आसानी से छिलके निकलने लगे। जब छिलके निकलने लगेंगे तो गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा करके इसके छिलके उतार लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ठंडा होने के बाद सभी छिलकों को मैंने निकाल लिया है और साफ़ कर लिया है। तो चलिए इसको दो हिस्सों में करके पीसेंगे दोस्तों। तो एक कटोरी मैं डाल रही हूँ मिक्सर के जार में, और एक मिनट के लिए इसको हम चलाएंगे। चलिए एक मिनट हो गया है, खोल के देखते हैं। ये देखिए पाउडर के फॉर्म में आ गया है। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा डालेंगे। आप देख सकते हैं कि चम्मच का जो चौथाई हिस्सा होता है उतना ही डाला है मैंने। इसमें डालेंगे अब 4 चम्मच करीब तेल। तो हम घी या बटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी बटर जब ठंडा होता है तो जम जाता है, तो इसके लिए हम इसमें रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। अच्छी क्वालिटी की जो आती है उसी का इस्तेमाल करें, इसके जगह पे आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए इसमें 1 चम्मच डाला है मैंने शहद, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको हमें बनाना है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसको बनाने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है, और करीब 7 मिनट हो गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पीनट बटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मिक्सर को रोक रोक के ही चलाएं, नहीं तो ये ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये पीनट बटर हमारा बिल्कुल बनके तैयार है दोस्तों। तो इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, दूसरे बैच को पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने तेल का कम इस्तेमाल किया है, थोड़ा ये टाइट लग रहा है, तो इसको मैं मिला दूंगी। यानी कि 500 ग्राम मूंगफली में मैंने 6 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच शहद का। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसी तरीके का होना चाहिए पीनट बटर। अभी ये गर्म है दोस्तों, जब ये ठंडा हो जाएगा तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए और इस्तेमाल करिए। ब्रेड में लगा के खाइए या फिर किसी भी प्रोटीन शेक में डाल के पीजिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। पीनट बटर की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।